आज मेरे पास है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सिंगल मॉल्ट विस्की, वर्ल्ड बेस्ट सिंगल मॉल्ट विस्की, वर्ल्ड मोस्ट अवॉर्डेड सिंगल मॉल्ट विस्की, और उसका नाम है ग्लेनफिडिक 12 इयर्स ओल्ड सिंगल मॉल्ट विस्की, जो सामने रखा हुआ है, जिसका आज करूंगा मैं रिव्यू इस वीडियो से। इससे पहले मैं इसको कंटेनर से निकल देता हूं। बहुत पॉपुलर एक कंटेनर है ये, जो ट्यूब पैकेजिंग है ना, ये ग्लेनफिडिक ने ही लॉन्च किया था। जी हाँ, सच बोल रहा हूं। चलिए पहले निकालते हैं विस्की को और सामने रखते हैं और उसके बाद करते हैं रिव्यू। फ्रेंड, सिंगल मॉल्ट का नाम सुनते ही हम लोग कुछ नाम फट से याद कर लेते हैं और उनमें से सबसे आगे शायद ग्लेनफिडिक का नाम ही आता है। जी हाँ, ग्लेनफिडिक, इसको अक्सर हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ग्लेनफिडिच, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ग्लेनफिडिस, मतलब न जाने क्या। बट हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ग्लेनफिडिक। तो ग्लेनफिडिक बहुत पॉपुलर एक सिंगल मॉल्ट है वर्ल्ड वाइड, इवन इन इंडिया। इंडिया में इसका पॉपुलरिटी का राज मैं जानता हूं, क्योंकि ये जो विस्की है ना, ये स्मोकी नहीं है, थोड़ा सा फ्रूटी एंड फ्लोरल विस्की है, क्योंकि ये विस्की बनता है स्पेस साइड में। स्कॉटलैंड का 5 रीजन है, उनमें से एक रीजन का नाम है स्पेस साइड, जहां पर फ्रूटी एंड फ्लोरल विस्की बनता है, बहुत डेलिकेट विस्की बनता है। तो इसीलिए ग्लेनफिडिक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विस्की इन इंडिया। आज मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 12 इयर्स ओल्ड विस्की। हालांकि ग्लेनफिडिक का बहुत सारा वेरिएंट होता है, मोस्टली एज्ड विस्की होता है। पहले जानेंगे ग्लेनफिडिक का नाम का राज। ग्लेन मतलब गैलिक वर्ड में वैली ऑफ द डियर, और ये जो डिस्टिलरी है ये स्थित है रिवर फिडिच के एकदम साइड में, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ग्लेनफिडिक। अब आप में से बहुत सारे सोचते होंगे कि शायद ग्लेन एक फैमिली है जिससे बिलोंग करता है ये प्रोडक्ट ग्लेनफिडिक, मतलब ग्लेन क्लिंची, ग्लेन मोरंजी, ग्लेन लिविट, ऐसे बहुत सारा विस्की है जिसका पहला अक्षर जो है वो है ग्लेन। बट ये एकदम सही नहीं होगा। ग्लेनफिडिक कंप्लीटली एक अलग डिस्टिलरी है और यूनिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। अब वैली ऑफ डियर में ये बनता है तो ऑफकोर्स इसमें एक डियर का फोटो तो रहना ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर डियर का एक पिक्चर भी आपको मिल जाता है। ग्लेनफिडिक का ये जो ट्रायंगल शेप है ना, ये जो ट्रायंगल शेप है ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। अगर मैं इसका लेबल और ये सब हटा दूं, फिर भी आप आराम से पहचान जाओगे कि ये ग्लेनफिडिक विस्की है, इसका ट्रायंगल शेप के चलते बहुत फेमस है। ये ट्रायंगल शेप क्या बयां करते हैं आपको मालूम है? इसका ट्रायंगल शेप बयां करता है मॉल्ट, वाटर एंड फायर, जो यूजुअली विस्की बनने में लगता है। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ग्लेनफिडिक 12 इयर्स इतना पॉपुलर विस्की कैसे बना? बहुत सारा रीजन इसके पीछे है, चलिए एक एक करके जानते हैं। जब अमेरिका में प्रोहिबिशन पीरियड चालू हुआ था 1919 से 1933 तक, अल्कोहल सर्विस बिल्कुल बैन कर दिया था, तब हर एक कंपनीज अपना जो प्रोडक्शन है उसको कम कर रहे थे, एंड बहुत सारे अल्कोहल कंपनीज अपना डिस्टिलरी को बंद कर दिया था, बिकॉज अमेरिका एक बहुत बड़ा कंज्यूमर हुआ करता था उन दिनों। बट ग्लेनफिडिक ने अपना प्रोडक्शन जो है वो दुगना से 3 गुना कर दिया था उन टाइम पे, और जब प्रोहिबिशन पीरियड खत्म हुआ तब अमेरिका में बहुत डिमांड हुआ एज्ड विस्कीज का, और तब ग्लेनफिडिक सबसे अच्छा बिजनेस किया था। मैं बोलूंगा कि इसका मदर कंसर्न विलियम ग्रैंड एंसन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहा उन टाइम पे। सिर्फ यही नहीं, 1960 से 1970 एक बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा था अल्कोहल इंडस्ट्रीज के ऊपर, उन टाइम पे भी ग्लेनफिडिक ने अपना हुनर दिखाया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया, इंट्रोड्यूस किया था एडवर्टाइजमेंट को, साथ साथ ट्यूब पैकेजिंग और टीन पैकेजिंग को लॉन्च करके बहुत ही अट्रैक्टिव बना था, सिंगल मॉल्ट को बढ़ावा दिया था एक प्रीमियम ब्रांड के चलते, अपना विजिटर सेंटर को ओपन किया था, उन टाइम पे सबको इनवाइट किया जाता था और दिखाया जाता था कि कैसे विस्कीज को बनाए जाते थे, एज वेल एज रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द ड्यूटी फ्री मार्केट फॉर स्पिरिट।
और वो सारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही सक्सेसफुल रहा, इसलिए ये ब्रांड 180 कंट्री में अपना ब्रांड को एक्सपेंड करके सेल करता है और इसीलिए 35% से भी ज्यादा शेयर ये कंपनी रखता है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए सिंगल मॉल्ट का। तो वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग सिंगल मॉल्ट बन गया था इन सब स्ट्रेटजी के चलते। तो फ्रेंड्स आइए थोड़ा ग्लेनफिडिक 12 का ब्लेंड के बारे में बात करते हैं। ब्लेंड मतलब ये एक सिंगल मॉल्ट विस्की है। अब सिंगल मॉल्ट विस्की का मतलब आप लोग सब जानते हैं, बहुत सारा वीडियो में बता दिया हूं, फिर भी छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सिंगल मॉल्ट विस्की, सिंगल मतलब सिंगल डिस्टिलरी, मॉल्ट मतलब मॉल्टेड बार्ली एंड विस्की, विस्की का डेफिनेशन तो हम लोग सब जानते हैं। तो यह है सिंगल मॉल्ट विस्की, मतलब इसमें कोई बाहर का डिस्टिलरी का विस्की ब्लेंड नहीं रहेगा, ये सिंपली एक ही डिस्टिलरी में बनेगा और वहीं पे ब्लेंड होगा और उसके बाद आपके सामने हाजिर किया जाएगा और वो भी पॉट स्टिल मेथड के जरिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये इतना वर्सेटाइल कैसे हो जाता है, इतना यूनिक, इतना कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो जाता है अगर सिंपली एक मॉल्ट के जरिए ये बनता है। तो यहाँ पर ग्लेनफिडिक एक यूनिक स्ट्रेटेजी को अपनाया है। पॉट स्टील का जो रेगुलर शेप होता है उसमें जब विस्कीज को बनाए जाते हैं तो उसका जो कैरेक्टर है यूजुअली एक किस्म का होता है, बट ग्लेनफिडिक डिस्टिलरी में आप अगर जाइएगा तो देखिएगा कि वहां पर 31 डिफरेंट काइंड ऑफ पॉट स्टील, स्वांग नेक पॉट स्टील मिलता है, अलग अलग शेप का, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई टॉल है, कोई ह्यूज साइज है, कोई बहुत स्मॉल है। अब इसमें जब विस्कीज को बनाए जाते हैं तब वो विस्की अलग अलग कैरेक्टर का बन जाता है, बहुत डिस्टिंग्स हो जाता है एक के साथ और एक। तो जब उन सब विस्कीज को अलग अलग कास्क में मैच्योर करके फाइनल ब्लेंड को मिला के आपके सामने हाजिर करते हैं तब वो विस्की कंप्लीटली यूनिक बन जाता है, कंप्लीटली डिस्टिंग्स बन जाता है। तो इसीलिए ग्लेनफिडिक एक ऐसा ब्लेंड बन जाता है कि जिसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। ग्लेनफिडिक का प्राइस है 5720 इन कोलकाता, आपके शहर में शायद थोड़ा बढ़ सकता है, कम हो सकता है। चलिए पोर करते हैं, बट उसके बाद मैं थोड़ा सा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस ब्रांड के बारे में। पहले तो ये 700 ml का एक बॉटल है, 50 ml आपको कम मिलता है, थोड़ा सा खराब लगता है दिल में। उसके बाद इसमें 40% एल्कोहल है, एक आप 6000 स्पेन कर रहे हैं और आपको मिलता है डाइल्यूटेड विस्की, ये बहुत गलत है। कम से कम इसका परसेंटेज 46 होना चाहिए था, अरे नहीं तो कम से कम 42.8 तो दे दो, वो भी नहीं दिया 40%, मतलब थोड़ा सा और डाइल्यूटेड विस्की। फ्रेंड्स इसमें आर्टिफिशियल कलर को भी मिलाया गया है 150A को, इतना एक्सपेंसिव विस्कीज आप एक खरीद रहे हैं और इसमें आर्टिफिशियल कलर बर्दाश्त नहीं होता है। और तो और सबसे खराब जो लगा मुझे वो है कि ये विस्की चिल फिल्टर है। अब चिल फिल्टर प्रोसेस क्या है बहुत सारा वीडियो में मैंने बताया, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब ये विस्की बन जाता है तब एक स्पेशल फिल्टरेशन प्रोसेस से इसके अंदर का जो प्रोटीन है, जो ईस्टर है, फैटी एसिड है, ऑयल्स है, उनको फिल्टर किया जाता है जैसे कि आपको एक क्रिस्टल क्लियर विस्की मिले। और इसके लिए बहुत सारा कंप्रोमाइज करना पड़ता है आपको फ्लेवर के साथ, ओरिजिनल फ्लेवर के साथ जो इसमें किया हुआ है, मतलब चिल फिल्टर विस्की है। तो इतना सारा ड्रॉबैक भी है इस विस्की में जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलिए देखते हैं, इसका कलर जो है ये हनी गोल्ड कलर है और इसका विस्कोसिटी जो है ये बहुत ही टाइट लग रहा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा माउथ फील मिलने वाला है। टीएस जो है बहुत ही स्लोली नीचे की तरफ आ रहा है। कलर जैसे कि आपको बता ही दिया था कि ये आर्टिफिशियल कलर तो है इसमें मिला हुआ। चलिए नोज करते हैं, ग्रेन का बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस मुझे मिल रहा है, फ्रेश फ्रूट का मुझे बहुत अच्छा नोट्स मिल रहा है, जैसे कि अगर स्पेसिफिकली बोलू तो ग्रीन एप्पल, देन पियर्स, हनी नोट्स, थोड़ा सा वुडी भी लग रहा है,
बटरस्कॉच का एक नोट्स मिल रहा है मुझे, इवन थोड़ा चॉकलेटी भी लग रहा है। बहुत ही माइल्ड है, काफी प्लेजेंट लग रहा है। मतलब ये एक ऐसा विस्की है कि जब आप आप नोस करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप एक सच में क्वालिटी विस्की को नोस कर रहे हैं। चलिए पैलेट में देखते हैं कैसा लगता है। सुपर स्मूथ, फैंटास्टिक विस्की, बहुत ही ऑयली है, आपको बहुत अच्छा माउथ फील देता है। अल्कोहल बर्न मैं बोलूंगा 90% नहीं है, और इसीलिए सिंगल मॉल्ट है फ्रेंड्स। मतलब क्या कहना, बिल्कुल अल्कोहल बर्न नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा मॉल्टी लग रहा है अभी, अपना माउथ फील ज्यादा मॉल्टी लग रहा है। काफ़ी वार्म है, बिल्कुल हर्श नहीं है, और हनी नोट्स जो है बहुत अच्छा मिल रहा है। काफ़ी स्वीट लग रहा है ये विस्की जैसे जैसे मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। मतलब कहीं ये मुझे वो जो पीएस नोट है, एप्पल नोट है, वो मैं ज़्यादा नोटिस कर पा रहा हूँ। एंड इंटरेस्टिंगली मुझे काफ़ी सिट्रस नोट भी मिल रहा है, जैसे जैसे मेरा माउथ जो है वाटरी हो रहा है वैसे वैसे। एंड फिनिश मैं बोलूँगा कि काफ़ी स्वीट है, थोड़ा ऑयली है, काफ़ी उडी नोट्स मुझे मिल रहा है, एंड ऑफकोर्स बहुत प्लेजेंट है, बहुत ही प्लेजेंट। एंड दिस इज ऑल अबाउट ग्लेनफिडिक 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब क्वेश्चन आता है कि आपको चूज करना चाहिए या नहीं। पहले तो एक बात तय है कि ये जो ग्लेनफिडिक 12 ईयर्स ओल्ड विस्की है, ये एक एंट्री लेवल सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की है एंड वर्ल्ड वाइड फेमस है। अगर आपका ये पसंदीदा ब्रांड हो जाता है तो आपको फिक्र करने का कोई बात नहीं, कहीं भी जाइए आपको ये ब्रांड मिल जाएगा। सेकेंडली, अगर आपको स्मोकी विस्की बिल्कुल पसंद नहीं है तो फिर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ ये ब्रांड। और इंडिया में देखा गया है कि जितने भी स्मोकी विस्की हैं उससे ज़्यादा फ्रूटी एंड फ्लोरल विस्की पॉपुलर ज़्यादा हुआ है। तो इंडियन पैलेट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इस विस्की को पसंद कर सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आप एक ड्रिंक एंथुसियास्ट है, अगर आप एक ड्रिंक लवर है, विस्की बहुत पसंद करते हैं, तो आपका सेल्फ में अगर ये ब्रांड नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहा फ्रेंड्स। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल नेम ऑक्टेल नेम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।